नमस्कार दोस्तों, सलमान खान ने इंटरव्यू के दौरान खोले ऐश्वर्या राय के कई राज। बॉलीवुड में कई सारे सेलिब्रिटीज प्यार में पड़े, लेकिन ऐश्वर्या राय और सलमान खान जैसी लव स्टोरी कभी सुनने को नहीं मिली। दोनों का प्यार साल 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त हिट हुई थी। जब फैंस को पता चला कि रियल लाइफ में भी सलमान और ऐश डेट कर रहे हैं, तो सभी खुशी से पागल हो गए थे। करीब दो साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अचानक सलमान और ऐश का ब्रेकअप हो गया था। इनके ब्रेकअप के बाद मीडिया में कई तरह की खबरें आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि सलमान ने ऐश को मारा था। फिर कहा गया कि ऐश सलमान के फ्लर्टी नेचर से परेशान थी। फिर ऐश्वर्या राय ने खुलासा किया था कि उनका और सलमान का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं कि सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या राय के बारे में कई सारे राज खोले थे। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच क्या हुआ था, ये किसी को नहीं पता। सलमान खान उन लोगों में से एक हैं जिन्हें हमेशा गलत समझा गया। सभी का कहना कि ऐश्वर्या राय ने जो भी किया वो सही किया, ये एक तरफा कहानी थी। वहीं सलमान की तरफ की कहानी सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू में शेयर की थी। इस इंटरव्यू में सलमान ने भी अपने रिलेशनशिप में खुलकर बात की थी और बताया कि उनका रिलेशनशिप बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है। सलमान खान ने साफ कहा कि उन्होंने ऐश्वर्या राय पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। अगर वो ऐसा कहती हैं तो वो गलत कहती हैं। मैं अपने सेट पर भी इतना ज्यादा शांत रहता हूँ कि कोई भी आकर मुझसे झगड़ा कर सकता है। मैं खुद को नुकसान पहुंचा लेता हूँ और मैं दीवार पर अपना सिर मारकर खुद को नुकसान पहुंचाता हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐश जब सलमान से पूछा गया कि ऐश ने खुद कहा कि उन पर हाथ उठाया गया था, तो सलमान का झगड़े के बारे में कहना था कि अगर कोई किसी से गुस्सा होता है तो लोगों को बाहर भी गुस्से में अपनी बात को बताता है। ऐसी हालत में कोई भी किसी के बारे में कड़वा ही बोलेगा, ना कि मीठा बोलेगा। हम दोनों के लिए बुरा वक्त था और सबका अपना तरीका होता है गुस्सा निकालने का। उन्होंने अपना गुस्सा ऐसे निकाला, बात खत्म। सलमान ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि जिंदगी में केवल एक ही बार हाथ उठाया था और वो सुभाष गई पर था, क्योंकि उन्होंने मुझे परेशान कर दिया था। हालांकि तुरंत मैंने उनसे माफी भी मांग ली थी। सलमान ने माना कि ऐश के पिता उनके खिलाफ रिपोर्ट करने बिल्कुल सही गए थे। जिस तरह की इमेज मेरी बनी हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मुझसे मिले या फिर वो उन्हें मुझसे मिलने देते थे। इस बात की मैं इज्जत करता हूँ। ऐश के घर 2 बजे रात पहुंचकर हंगामा करने की बात पर सलमान खान ने ये कहा कि ये बात सही थी, लेकिन मीडिया ने इतना बड़ा चढ़ाकर लिख दिया कि अब मैं उसके अपार्टमेंट में भी नहीं जा सकता। फिर उन्होंने ये बताया कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप झगड़ा भी उसी से करते हैं जिसको आप अपना कहते हैं, वरना किसी की लाइफ से कोई भी मतलब नहीं रखता। कोई भी किसी की लाइफ का पार्ट नहीं बनना चाहता, हिस्सा नहीं बनना चाहता। ऐश के पिता के बारे में बात करते हुए सलमान ने ये कहा कि मैं इस बात की इज्जत करता हूँ कि उनके पिता को इतना बुरा भला कहने के बाद भी वो सुन लेती थी। कोई नहीं सुनता है, जैसे मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं सुन सकता, वो भी नहीं सुन सकती। और अंत में उन्होंने अपने और ऐश के बारे में सलमान ने ये भी कहा कि हमारा परिवार बिल्कुल एक जैसा है, उनकी फैमिली बेहद घरेलू है और वो लोग अपनी बेटियों को इस तरह डेट करें, मतलब कि कोई भी उनकी बेटियों को डेट करे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस बात की मैं पूरी तरीके से इज्जत करता हूँ। सलमान ने माना कि ऐश उनके प्यार और प्रपोजल का जवाब नहीं दे रही थी और मुझे कमिटमेंट चाहिए था, इसलिए गुस्सा आया और मैं काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी, यही कारण था कि मैं काफी ज्यादा मारपीट और गुस्सा करने लगा था। बता दें कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी सबको पसंद आती थी। खबर तो ये भी थी कि ऐश्वर्या की सलमान की दोनों बहनें यानी कि अलवीरा और अर्पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन ऐश्वर्या की फैमिली हमेशा इस रिश्ते के खिलाफ रही थी और कभी भी इस जोड़ी को किसी का सपोर्ट नहीं मिला और किसी का प्यार नहीं मिला, तो ये दोनों आपस में अलग हो गए। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सलमान खान आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में ऐश्वर्या राय के लिए जो प्यार है या फिर जो इज्जत है वो अभी भी बरकरार है। और वो चीज हमें काफी जगह यानी कि इवेंट्स में या फिर कोई अवार्ड शो हो रहा है तो वहां पर हमें देखने को मिलती है।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर आपको भी लगता है कि सलमान और ऐश्वर्या राय एक ऐसा पेयर था जो एक होकर भी एक नहीं हो पाया, तो प्लीज अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।